और जी क्या हाल चाल है, मेरा नाम है दक्ष और आज का वीडियो का टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उस टॉपिक पर जाने से पहले हम थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं कि आपका स्कोप कितना रहेगा यहाँ पर जर्मनी में। अगर आप इंजीनियरिंग यहाँ पर आकर पढ़ रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में, सबसे पहला फैक्ट, यहाँ पर हर साल 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं और उससे ज्यादा जर्मनी में रिटायर हो जाते हैं एक साल में। तो अब आप एक अंदाजा लगा सकते हो कितनी जॉब वैकेंसीज यहाँ पर पड़ी है। और सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज हैमबर्ग और स्टुटगार्ट में है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे हैं जॉब की, यहाँ पर आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। तीसरी चीज, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 50,000 यूरो एक साल में, आप एक साल में 50,000 यूरो तक कमा सकते हो। 50,000 यूरो बहुत होते हैं, अगर मैं आपको इंडियन रुपीज में बताऊं तो यही कोई साल के 45 लाख रुपए 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अब सीधा वीडियो पे चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो मैंने यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में रखी है ना, वो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। ये यूनिवर्सिटी जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, और इसके खुद के रिसर्च सेंटर्स हैं कैंसर के लिए, एरोस्पेस के लिए। अब लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हो तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो यहाँ पे तो आपको आइल्स के 6.5 मिनट चाहिए और टोईफल का स्कोर 88 चाहिए। अगर आप जर्मन में मतलब कि डॉयच में स्टडीज करना चाहते हो तो आपको कम से कम B2 का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपको C1 का भी चाहिए होता है, पर आपको B2 एडमिशन के लिए काफी होता है। अब सबसे बढ़िया चीज के बारे में बात कर लेते हैं, पैसे। आप एक साल में कितने कमा सकते हो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो तो 48,000 से लेकर के 53,000 तक आप एक साल में कमा सकते हो। पर ये नंबर काफी ज्यादा वेरी करता है आपने किस टाइप का कोर्स किया था। आपने सिविल इंजीनियरिंग की थी, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, उस हिसाब से काफी ज्यादा वेरी करता है। पर ये एक रफ आइडिया था 48,000 से लेकर के 53,000 यूरो। अगर आप इंडियन रुपीज में बात करते हो ना, 45 लाख रुपए बनते हैं एक साल के। इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पर यूनिवर्सिटी आती है वो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। ये जर्मनी की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है और अगर हम वर्ल्ड रैंक के हिसाब से बात करें तो ये 47th नंबर पर आती है। इसमें 112 से ज्यादा कोर्सेज है जो आप डॉयच में पढ़ सकते हो और 23 से ज्यादा कोर्सेज है जो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे जर्मन में हैं, पर कुछ मास्टर्स और कुछ MBA प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। अगर हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो काफी ज्यादा वेरी करता है आपके कोर्स के हिसाब से। कहीं कहीं पर आपको आइल्स के 5.5 बैंड चाहिए और कहीं पर 7 बैंड चाहिए। जर्मन आपको किन्हीं कोर्सेज में नहीं चाहिए और कहीं पर आपको B2 का लेवल भी चाहिए, तो वो काफी ज्यादा वेरी करता है, वो आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। जो इनका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोटा है वो है 8%, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि आपके कितने चांसेस बनते हैं, कितनी आपकी अपॉर्चुनिटी है इस यूनिवर्सिटी में, तो आप वो देख सकते हो। तीसरा नंबर पर है RWTH आखिन, फुल फॉर्म बता देता हूँ, रेहाइनिश वेस्टफैली से टेक्निसे होकशुले। ये है तीसरे नंबर पर। अगर हम वर्ल्ड रैंक के बारे में बात करें तो ये है 53rd पोजीशन पर। तो ये होकशुले TU9 का मेंबर है। TU9 के बारे में हम लास्ट में इस वीडियो के बात करेंगे, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, आपको उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। जो चौथे नंबर पर है वो है कार्लसरुए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किट। TU9 का मेंबर है ये भी और रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश और जर्मन दोनों में आप स्टडीज कर सकते हो। काफी ज्यादा कोर्सेज जो इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ मेन कोर्सेज हैं इनके इंजीनियरिंग में, वो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और भी हैं जो आप चेक कर सकते हो, आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेंगे। ये वाली यूनिवर्सिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। पांचवें नंबर पर है यूनिवर्सिटी स्टुटगार्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट। ये भी TU9 का मेंबर है। अगर हम वर्ल्ड रैंक के हिसाब से बात करें तो 107वीं पोजीशन पर आती है ये वाली यूनिवर्सिटी। यहाँ पर काफी ज्यादा मास्टर्स के कोर्सेज हैं जो आप इंग्लिश में कर सकते हो, और कुछ फेमस कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, एनर्जी, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और काफी चीजें जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो और आप चेक कर सकते हो। जो छठे वाली यूनिवर्सिटी है ना, ये मेरी फेवरेट वाली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा कोर्सेज है ना, आप बस नाम लो आपको वो वाला कोर्स यहाँ पर मिलेगा। लुडविक मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक LMU, और ये वर्ल्ड रैंक के अगर हम बात करें तो ये 32वें नंबर पर आती है। ऐसा कौन सा कोर्स नहीं है जो आप LMU में नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड स्टडीज यहाँ पे जरूर है। लॉ की स्टडीज कर सकते हो, बिजनेस की स्टडी, मेडिकल फील्ड में स्टडी कर सकते हो, फार्मेसी में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, पता नहीं कितने कोर्सेज है इस यूनिवर्सिटी में। काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं इस यूनिवर्सिटी का फैन हूँ। अब बात करते हैं हम लास्ट में
यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग, ये है सातवें नंबर पर यूनिवर्सिटी, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफी ज्यादा कोर्सेज हैं इस यूनिवर्सिटी में, आप कर सकते हो डॉयच में, इंग्लिश में भी एक दो कोर्सेज हैं मेरे को लगता है, वो आप चेक कर लेना। ये था कुछ टॉप 7 यूनिवर्सिटीज के बारे में। अब बात करते हैं TU9। क्या है TU9? TU9 एक अलायंस बनाई थी इन्होंने 2003 में। इसका बढ़िया वाला क्या फायदा रहता है कि आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो और वहां पे पढ़ सकते हो, तो ये भी काफी बढ़िया वाला मेरे को आइडिया लगा इनका। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आ जाती है इस TU9 में? सबसे पहले अगर TU9 में कोई नाम लिया जाता है तो वो RWTH आखिन का, फिर TU म्यूनिक, TU बर्लिन, TU डार्मस्टाट का, फिर आपका ड्रेस्टन हो गया, स्टुटगार्ट हो गया, एक और ब्राउनश्वाइग, LU हैनोवर हो गया, फिर किट हो गया, कार्लसरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये थी 9 यूनिवर्सिटीज जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज 9 प्रोग्राम के अंडर आती है। तो मेरे को होप है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको दबा दो यार। सो प्लीज सर, और हमारे 10,000 होने वाले हैं, और लाइक कर देना। अगली वीडियो मिलते हैं। डंकेशुन ऑफ विद सेन।